आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है एन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ लैंड्स ऑन अ Planet एट अ पॉइंट 5 किलोमीटर फ्रॉम एन एक्टिव वोल्केनो देयर इज अ वोल्केनिक एक्सप्लोजन

तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं एक वोल्केनो और एक यूएफओ है हमारे पास दोनों एक प्लानट पे है एक अलग अलग साइट पे और दोनों के बीच में डिस्टेंस है फाइव किलोमीटर ठीक है ना तो पहले हम लिख लेते हैं डिस्टेंस जो डी गिवेन है बिटवीन द वोल्केनो एंड द साइट एंड द यू एफ साइट वो गिवेन है फाइव किलोमीटर यानी कि फाइव थाउजेंड मीटर ठीक है अब स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता है बहुत ह्यूज होता है थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है ना यानी कि थ्री लाख किलोमीटर पर सेकेंड तो ये डिस्टेंस बहुत ही कम है स्पीड ऑफ लाइट के लिए तो ये स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली पहुंच जाएगा क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो टाइम स्पीड पे इन्वर्सली डिपेंड करता है तो स्पीड चूंकि बहुत ज़्यादा है और डिस्टेंस हमारा बहुत कम है तो टाइम नेग्लिजिबली स्मॉल है तो लाइट फ्लैश तो हम सपोज कर सकते हैं कि आजिफ इंस्टेंटली पहुंच गया है और उस वक्त इसका मतलब ये हुआ कि उस जब लाइट फ्लैश पहुंचा है यूएफओ साइट पे तब साउंड ऑफ एरपन तकरीबन वलकैनो के पास भी पास ही है थोड़ा सा ही आगे आया होगा नेग्लिजिबली स्मॉल ठीक है ना तो आ, हम सपोज कर सकते हैं कि आजिफ वो वलकैनो के साइट पे ही है तो वलकैनो के साइट पे है इसका मतलब साउंड को लगा है 100 सेकेंड ट्रेवल करने के लिए वोल्केनो से यूएफओ तक क्योंकि यूएफओ पे जो साउंड है वो सौ लाइट फ्लैश के पहुंचने के 100 सेकेंड बाद सुनाई दिया है तो हम कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रैवल फ्रॉम वोल्केनो साइड टू यूएफओ इज 100 सेकेंड्स ठीक है हमें पता है आ, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा कैसे पता चलेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम करके तो डिस्टेंस तो हमें पता है ये 5000 मीटर है तो फाइव थाउजेंड मीटर डाल दिया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय साउंड इज हंड्रेड सेकेंड ठीक है तो ये दो जीरो कट गया यहाँ पे तो ये आ गया फिफ्टी मीटर पर सेकेंड ठीक है तो ये तो स्पीड ऑफ साउंड आ गया उस प्लानट के ऊपर ठीक है अच्छा अब हमें पता करना है वेवलेंथ ऑफ द वेव तो हमें पता है कि स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में ये रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू स्पीड वी ऑफ साउंड विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू इन टू वेवलेंथ ले ठीक है तो वी हो गया और हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टाइम पीरियड और टाइम पीरियड यहाँ प्रोवाइडेड है टू सेकेंड द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज टू सेकेंड तो हम इसको न्यू को लिख देंगे वन अपॉन टी तो ये हो जाएगा लैमडा अपॉन में टी हमें लैमडा फाइंड करना है यहाँ से तो लैमडा हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम पीरियड ठीक है तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड तो 50 मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड गिवन है टू सेकेंड्स इन टू टू ठीक है ना तो लैम्डा आ जाएगा यहाँ से फिफ्टीन टू टू यानि कि हंड्रेड मीटर ठीक है तो ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर वेवलेंथ ऑफ द वेव तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन में हंड्रेड मीटर है तो हम इस ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे ऑप्शन वन को तो ये हमारा फाइनल आंसर है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर